আমার ডিস্ট্রিক্টখন আমি কি করিব লাগে, তারপরে আমার ঘর কারণে আমার সোসাইটি কারণে কি করিব লাগে, এইটু ভাবা যদি আমার লোকের কাম আছে। পলিটিক্যাল সায়েন্স স্টুডেন্ট তারা জানিব, আমার লড়া ছোলে জানিব, পলিটিক্যাল সায়েন্স যুনে যুনে সোশ্যাল স্টাডি করেছে, রাইট এন্ড ডিউটিজ আমার হাক আছে, আমার সরকার পরা গভর্নমেন্ট পরা খুঁজিব পারে, আলি দিবে, পানি দিবে, রাস্তা দিবে, স্কুল দিবে, সব দিবে, সুবিধা দিবে, টেনশন দিবে, কিন্তু আমার কাম বি আছে গভর্নমেন্ট উপরতে, গভর্নমেন্ট কারণে বি গভর্নমেন্ট তো কি আছে, গভর্নমেন্ট আমার লোকে সবাই গভর্নমেন্ট আছো, তো আমার লোকের রাইট আছে খুঁজিব কারণে বাবা পড়া, তো আমার লোকের বাবা কারণে কাম খুঁজিব লাগে, রাইট ডিউটি আছে না, এইটুর কারণে কানুন তো মানি পাই চলিব লাগে, কানুন সরকার যি বনাইছে একটু কানুন মানিব লাগে। Well, sharing Ambukos, I also eagerly acknowledge the effort made by every church workers, both past and present, believers of Jesus Christ and fear of the Lord, both young and old, express my genuine honest through a thoughtfulness to for holy contribution and sacrifices कर अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूँ नानमान जुगली। इस वक्त हम जोंगरम गांव में खड़े हैं, जो कि आज सिल्वर जुबली जो है, कल के 19 से लेके 20 ये जो है सिल्वर जुबली जो है मनाया जा रहा है जोंगरम बाप्टी चर्च का द्वारा, 25 साल उनका जो क्रिश्चियनिटी होने का। तो यहाँ में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ में कई सारे तुत्सा का एटायर्स जो है यहाँ में लगाया वाला है, जो कि उन लोगों का जो ट्रेडिशनल सामान सब जो है यहाँ में लगा के रखा हुआ है। तो उसके बाद मैं दर्शकों को ही बताना चाहूँगा कि ये जो है चर्च, जो कि यहाँ में इस पैनल में प्रोग्राम जो है किया जाएगा, और दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो विधायक है, कौन सा इस का जो विधायक है वंगलम सावन जी, वो भी इसी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो उनसे भी हम चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर टीम है उनसे भी हम जानकारी लेंगे, ताकि उनका क्या कहना है, क्या सोच है, और लोगों का जो जोंगरम गांव है वो पहले से आज का दिन में क्या स्थिति है, उन चीज़ों को भी लेके लोगों से मैसेज लेने चाहेंगे। तो आइए, तो सर हमारे चैनल में स्वागत है सर। हाँ, थैंक यू आपको, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका चैनल के साथ में बातचीत करने के लिए समय दिया है, आप आया, थैंक यू वेरी मच। सर जैसे कि आज जो है जोंगरम बाप्टी चर्च का जो है आज सिल्वर जुबली है, इस तरह का प्रोग्राम कई बहुत ही कम होता है सर, तो इसी को लेके सर गांव वालों को आपका क्या संदेश रहेगा सर? ये आज जोंगरम गाँव में 25 साल हुआ क्रिश्चियनिटी होने के बाद में, उसने उन लोग द ग्लोरी ऑफ गॉड यहाँ प्रोग्राम बनाया, सेलिब्रेशन किया सिल्वर जुबली यानी गॉस्पेल एनिवर्सरी बोलता है, तो उसमें हम आया तो पब्लिक सारा रहा तो मुझे अच्छा लगा, और ये 25 साल में एक बार ही आएगा, तो उसमें आशीर्वाद लेने के लिए आया, पब्लिक से मिलने के लिए आया, खुशी लगा हमको, अच्छा लगा। सर जैसे कि आपने जिगर किया है, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ को लेके या ड्रग्स एडिक्शन को लेके भी आप चर्च में कई सारे मस्जिद में आपने कहा था सर, जो कि अवेयरनेस जागरूकता, और साथ ही साथ में जो स्कीम को लेके आपने बात किया था, तो उसी को लेके लोग का क्या लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा सर? नहीं, मैं ड्रग्स डी एडिक्शन के बारे में इसलिए कहा क्योंकि ये हम सरकार के ऊपर में निर्भर नहीं करना है, हम अपना भाई बहन का, अपना बाल बच्चा को खुद ही केयर लेना चाहिए। ये ड्रग डी एडिक्शन जो करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपना मन से होना चाहिए। अब जब आप क्रिश्चियनिटी हो गया, आप धर्म लिया है, अच्छा चीज़ के लिए लिया है, तो इसमें बाइबल में या कोई धर्म शास्त्र में इसको खाओ मत खाओ तो नहीं बोला है, लेकिन जो अपना शरीर को नुकसान करता है वही पाप है, वही नहीं करना चाहिए। तो ये ड्रग्स कानी या अपों खाम जो है वो शरीर को नुकसान करता है, परिवार को तकलीफ देता है, तो वही पाप है। तो ये है चर्च में, ये हमेशा कोशिश होना चाहिए कि ये सब का पूरा प्रबंधी जैसा ही होना चाहिए, कि ये खाने से अपना स्वास्थ्य का, सोसाइटी का पूरा बर्बादी होगा, ये हमेशा स्ट्रेस करना है। और दूसरा बात, मैंने सरकार का साथ में कॉरपोरेशन देने के लिए पब्लिक को इसलिए कहा कि सरकार कितना देगा, सरकार दे रहा है,
रास्ता पानी से लेके भोजन तक दे रहा है, तो उसको लाभ सिर्फ नहीं, हम भी सरकार का साथ में योगदान देना चाहिए, कानून का हिसाब से चलना चाहिए, बिजली सही ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए, रेवेन्यू देना चाहिए और साफ सफाई खुद रखना चाहिए, और ये हमारा सोसाइटी या हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिटी का जरूरत है। और जैसा बड़ा कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ऐसा त्यौहार ऐसा सेलिब्रेशन किया है, उसमें ये संदेश मैंने तो ये कहा, बाकी मिशनरी लोगों ने भी कहा कि ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा पूरा कमिटमेंट होना चाहिए। हम 25 साल उम्र का हो गया धर्म को लेके, तो हम भी 25 साल जैसा युवा पीढ़ी जैसा हम आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, बड़ा का हिसाब से हम आगे जाके काम करना चाहिए, ना कि हमको सोसाइटी के अगेंस्ट में ड्रग्स को लेके या एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिविस्ट झगड़ा वगैरह करके हमको घूमना है। मैं यही संदेश दिया। सर, जैसे कि आज आप TBCA से आए हैं, तो वहाँ में आप पिछला ये जो है फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी रहा TBCC में, तो सर आपका क्या मैसेज रहेगा जोंगरोम गाँव के लिए, सर जोंगरोम बाप्टी चर्च के लिए? तो in comparison for last 25 years now it is quite developed, the churches and also people living also developed, and spiritually also developed, so I wish God will bless them abundantly. Thank you. To hum yahan ki jo TBC Tutsa Baptist Church Council ki और से जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट सर है उनसे बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा, और यहाँ का जो है आपका TBCC का अंदर में इस तरह से 25वां साल जो सिल्वर जुबली जो है मनाया जा रहा है जोंगरोम गांव में। सर जी, ये हमारा TBCC का 7th चर्च होगा जिसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुआ है। इन ऑल हमारा TBCC अंडर TBCC देयर आर 36 चर्चेस, so out of these 36 churches so far 7 churches has been celebrating this silver jubilee, so this is a Jongrom Baptist Church church which is celebrating its 25th gospel anniversary this year, so hearty congratulations to Jongrom Baptist Church. सर, जैसे कि आज कई सारे लोग जो है तंगसा की उधर से भी आए हैं, और नोकते उस साइड में से भी आया है, और तीरप चांगलंग को मिला के लगभग कई सारे हजारों पर आए हैं सर, तो यहाँ का जो जोंगरोम गांव को चेंजेस पहले से और आज का दिन में जो बदलाव जो है किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है सर? जब से क्रिश्चियनिटी आया है खास करके इस बस्ती में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहले जो है गांव वालों को किस तरह से चलना है, किस तरह से मतलब मैंने काम वाम करना है, किस ढंग से मतलब रहना है, वो मतलब मैंने उस समय मालूम नहीं था। हाँ, ये हम लोग मान सकता है कि उस समय ट्रेडिशन कल्चर बहुत स्ट्रांगली मानते थे, फिर भी क्रिश्चियनिटी आने के बाद में ये बात नहीं कि मैंने क्रिश्चियनिटी आने के बाद में धर्म को ये कल्चर आइडेंटिटी को छोड़ दिया, बल्कि कल्चर और आइडेंटिटी को जो है ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दे रहा है। और हम लोग का ये मतलब मानना है कि कल्चर आइडेंटिटी और धर्म जो है वो अलग अलग है, धर्म मानना है लेकिन अपना जो आइडेंटिटी है, जो कल्चर है, उसको भी उतना ही स्ट्रांगली मानना है। ये हम लोग का मतलब मैंने विश्वास है, और हम ये प्रोपेगेट करते हैं कि लेट अस नॉट फॉरगेट our identity, rather let us maintain our identity and culture more strongly. So this is our message to all people, that let us keep aside religion and culture identity differently, and let us propagate our religion, and at the same time let us not forget to maintain the identity and culture of our tribe. So this is what we are doing in our council. And Jongrom mein jaise haal hi mein आज हम लोग को देखने को मिला, सिंस दिस विलेज एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी मेनी चेंजेस हैव कम इन द एजुकेशन सेक्टर, इन सोशल सेक्टर। फॉर एग्जांपल, इन दोज डेज व्हेन देयर वाज नो व्हेन द विलेजर्स वे अंडर आई मीन व्हेन द विलेजर्स डिड नॉट एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, इन दोज डेज विलेजर्स डिड नॉट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, सो व्हेन द क्रिश्चियनिटी केम टू दिस विलेज, villagers have start knowing about the education value, and today
दिस विलेज हैज गॉट 50 प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. सो दिस इज अ वेरी आई मीन पॉजिटिव चेंज दैट हैज कम सिंस द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी इन दिस विलेज. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन ट्रांसफॉर्मेशन और आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट चेंज सिंस द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी इन दिस विलेज. एंड यूनिटी वाइज द विलेज इज वेरी आई मीन यूनाइटेड विलेज. दे लिव पीसफुली. और पहले ज़माने में जो है एक दूसरे का जो एक दूसरे के प्रति जो प्यार रहना चाहिए, जिस तरह से मतलब मैंने एक दूसरे को मदद करना चाहिए या जिस तरह से दुख तकलीफ में मदद करना चाहिए, देखना चाहिए, वो मतलब आदमियों में वो अवेयरनेस नहीं होता था. तो आज जो है मतलब वो सब आ गया है. सो इस बस्ती को क्रिश्चियनिटी आने के बाद में जो इस बस्ती का जो दृश्य है, जो लुक है, वो बदल गया है. और यहाँ लोग जो है अपना खुशी से अपना मतलब मैंने ज़िंदगी या अपना धर्म मान रहे हैं और साथ ही अपना जो एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो भी अच्छी तरह से कर रहे हैं. एजुकेशन सेक्टर में बढ़ रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ हुआ है. सर जाते जाते सर आप लोग आपका तरफ से या आपका एसोसिएशन का तरफ से जोंगरम बप्टिस्ट चर्च को आपका क्या कहना होगा सर? जोंगरम बप्टिस्ट चर्च को पहले तो हम लोग कंग्रेचुलेट करेंगे कि 25 इयर्स जानी जो है उनका बहुत सक्सेसफुल रहा. और ये कहेंगे कि 25 इयर्स कम्प्लीट होने के बाद में मैच्योर होना चाहिए. सिर्फ धर्म में नहीं हो करके जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी किस तरह से अच्छा से जीना है, किस तरह से एक दूसरे को मदद करना है, किस तरह से एजुकेशन में या मैंने गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस या गवर्नमेंट का जो रूल जो है उसको मान के चलना है. और साथ ही जो आइडेंटिटी कल्चर जो है उसको भी किस तरह से और मतलब अच्छा से मानना चाहिए या मॉडिफाई करके नहीं छोड़ना चाहिए अपना ये कल्चर आइडेंटिटी को. यही हम इस बस्ती को इस इम्पोर्टेंट इस ऑस्पिशियस ओकेजन में ये मैसेज देना चाहेंगे. धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए. थैंक यू सर. मेरा मैसेज ये है कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ के लोग या फिर हमारे सोसाइटी के जितने भी कोई चाहे वो रिलीजियस ही क्यों ना हो, वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है. तो हम लोग सोसाइटी और रिलीजियस वो दोनों मिल के हम अपना सोसाइटी को अच्छा कर सकते हैं. मैं ये सूचना दूंगा, मैं ये कहूंगा अपने आदमियों को कि स्पेशली मैंने अपना समय में भी बोला कि स्पेशली अभी बर्निंग इशू जो है वो है ड्रग्स. वो ड्रग्स से हम लोग किस तरह से छुटकारा पाए वो उसको लेके मैं ये कहूंगा, मैं ये अपील करता हूं अपना सोसाइटी को कि सब अपना अपना जगह में काम करना है इसको ड्रग्स को इरेडिकेट करने के लिए किसी भी तरह, चाहे वो सोशली या फिर कल्चरली या फिर रिलीजियसली जो अपना तरीका से होके हम लोग ये इविल चीज़ को जो सोशल इविल मैनेज है उसको इरेडिकेट करने के लिए काम करना है. मैं ये अपील करता हूँ आप पब्लिक को, मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि इन लोग ने यहाँ तक आके ये सब किया है. और आगे भी मैं ये विश करता हूँ कि जो 50 में जो गोल्डन जुबली आएगा उसके लिए भी अच्छी तरह से इसी तरह से इससे और अच्छा हो उसी जोश के साथ काम करें. मैं ये यहाँ के वासियों को विश करता हूँ.